नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे बीपीएससी ट्री यानी तीसरे फेज के बहाली पर, जो कल जो एक नोटिस आया है शिक्षा विभाग का बीपीएससी का, कि संभवतः इसी महीने के लास्ट में 27 से लगभग 30 तक जो परीक्षा है वो विभिन्न जिला के डीएम को चिट्ठी लिखा गया है कि हम जो है TRE 3 की परीक्षा जो है अमुक अमुक तारीख से और इस पाली में लेने जा रहे हैं। तो जो जाँच है, अभी हम बात करेंगे वो जांच का, जो TRE 3 में आर्थिक अपराध इकाई पटना जो इकाई टीम है वो कर रही थी, और जांच के बिंदुओं पर आपको याद होगा इसके पहले एक नोटिस जो है, इससे पहले विभिन्न समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा था कि BPSC को तीन नोटिस गया है। तीन नोटिस के बाद भी वो जवाब नहीं दे पाई है कि आखिर जाँच के बिंदुओं पर क्या कहना है BPSC को, और BPSC के जो जाँच पर है वो BPSC जो बिहार लीग सेवा आयोग के नाम से मशहूर हो चुका है, जो क्वेश्चन पेपर शिक्षा माफियाओं के हाथ में गोद में पहले ही दे देता है, जो सेटिंग गेटिंग के तहत पैसे की उगाही करके लोगों की बहाली करती है, ऐसे BPSC के पूर्व चेयरमैन जो छात्रों को दार्शनिक तरीके से ट्वीट करके लोगों को समझा के, छात्रों को डरा धमका के, BPSC के गेट पर धारा 144 लगा के कि हम छात्रों अभ्यर्थियों के परेशानी की वजह से हम TRE 2 का रिजल्ट निकालने रहे हैं, इसलिए धारा 144 लागू, प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे, छात्रों और अभ्यर्थियों की आवाज़ दबाई गई। साथियों, ये बात आप बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए, और जिस प्रकार से खेल इस प्रदेश में हुआ उस प्रदेश की बातें आप समझ लीजिए कि लोकसभा के मतगणना जो है कल होने वाले हैं, संभवतः जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और विभिन्न TV चैनलों और पत्रकारों का यह अनुमान है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से और जो मीडिया कन्फेस में या कई जगह के चैनल में चल रहा है कि बिहार की राजनीति, बिहार की सत्ता हो सके बदले, हो सके मुख्यमंत्री बदल जाए या कुछ और भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है, तो कई चीज़ें लगभग इसी केंद्र बिंदु में है। हम बिहार की जब बात करेंगे तो शिक्षक बहाली के उन सभी विषयों पर जिस विषय पर पेपर लीक हुआ, हजारीबाग से 370 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पटना में गिरफ्तारी हुई, और मुख्य सरगना विशाल चौरसिया और विजेंद्र गुप्ता के बयान पर कि पेपर लीक कांड में BPSC के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका है, क्योंकि उनके बिना रहते बिना QR कोड लगे प्रश्न पत्र उन लोगों के पास कैसे चला गया, और जो गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद जो आर्थिक अपराध इकाई जाँच कर रही है, उस जाँच के तहत तक जाने के लिए कई तरह के आधार आप समझ सकते हैं कि जो है सो वहाँ से रूम में, ट्रांजिट रूम में जाने के लिए, इसके बाद जो है बीच में होटल पर से जो है वो क्वेश्चन पेपर निकाल लिया, QR बिना QR कोड लगे प्रश्न पत्र मुहैया हुए थे BPSC या आर्थिक अपराध इकाई, इस बात की पुष्टि तो BPSC तो पुष्टि कर ही नहीं रही है, और BPSC के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका तो कोई शक्ल भी नहीं देखा है कि कौन है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तीन बार नोटिस BPSC के अधिकारियों से हुई आर्थिक अपराध की, अब बोल रहे हैं कि हमको कुछ पता नहीं, हो सके सचिव स्तर से पत्राचार हुआ हो। जब आपको पता नहीं है कि इतने बड़े लीक कांड हो गए और इसके दोनों पेपर के TRE 1 और TRE 2 के जांच चल रही है, आपको अभी याद होगा कि TRE 2 में जिस तरह की चीज़ें हुई 6-8 को OMR शीट की कार्बन कॉपी जो ये लोग अंतिम समय में सब्जेक्ट बदल दिए, इतिहास के जगह पर भूगोल, आप पोस्ट साइंस के जगह पर अंग्रेजी, ये बदल कर जो खेल खेले, इसी का नतीजा है कि 6-8 का OMR शीट की जो कॉपी है वो दोबारा जांच हो रही है। कोर्ट का आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि 2 सप्ताह के भीतर ये सब जांच कर लेना है। दूसरा, जो सीटेट वाला फर्जी वाला खेल चला विभिन्न जिलों में, आप समझ लीजिए कि आप दरभंगा में 42 लोग पकड़ाए, उसके पहले 72 लोग और इस जिले से पकड़ाए, मतलब कोई जिला बाकी नहीं है जहां से सीटेट बड़े पैमाने पर, आपको याद होगा इसके पहले दूसरे स्टेट की जो महिलाएं हैं या दूसरे स्टेट के जो पुरुष हैं उनको कम से कम 150 में 90 नंबर मिनिमम कटअप जो है वो 90 लाना है, और बिहार के महिलाओं को 5% आरक्षण और SC ST को और OBC को जिस प्रकार का आरक्षण का लाभ है वो बिहार के महिलाओं के साथ साथ बिहार के पुरुषों को भी, वो 60% जो है बिहार के पुरुष का है, यानी कहने का मतलब है कि 60% मार्क्स आपको लाने हैं दूसरे स्टेट के अनरिजर्व को और बिहार के मेल को भी 60%, उसके अलावा 5-5% की कैटेगरी के तहत वो रिजर्वेशन का आंकड़ा उसमें मिलता है। सीटेट वाले मामले पर फर्जीवाड़ा हुआ, उसके बाद हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि जो अभ्यर्थी हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट और रिवाइज रिजल्ट की मांग को लेकर हमारे साथी द्वारा एक आवेदन बनाया गया, उस आवेदन की कॉपी अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आप जिला में दीजिए, उसके बाद फिर पटना में हम लोग जो है उसको जमा करवाएंगे। सारी चीज़ें हो रही है, बिल्कुल हर जिला से हो रहा है, छात्र अभ्यर्थी जा रहे हैं, आवेदन जमा कर रहे हैं, रिसीविंग ले रहे हैं, बिल्कुल सील और मुहर के साथ,
लेकिन हम बात करेंगे कि क्या TRE-3 जो पेपर लीक हुआ जिस पर जांच अभी तक नहीं हो पाई है कि सरगना कौन है, यहाँ तक कि BPSC जो 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई उसको अभी तक नहीं बताया है कि उसका नाम क्या है, पता क्या है। आज जब तक कि महिलाओं और दिव्यांग को कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल भी मिल चुका है साथियों, तो आप समझ लीजिए कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है और जिस तरह का खेल चल रहा है, बिना जांच हुए क्या परीक्षा लेना संभव है? क्या परीक्षा लेने का कोई औचित्य है? अब आप कहेंगे कि जो परीक्षार्थी हैं उनके खिलाफ़ में, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब जांच नहीं हो रही है, जब जांच उस बिंदु पर तक नहीं पहुंचा, भंडाफोड़ नहीं हुआ, BPSC के पूर्व चेयरमैन की भूमिका, कभी हिंदी भाषा के हर्ता के जो विषय को जो समाप्त किया गया कि भाषा का जानकार होना जरूरी नहीं है TRE-2 में, तो बात तो बिल्कुल भंडाफोड़ हो चुका है ना। TRE-1 में और TRE-2 में दोनों में पेपर लीक थे, लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया कराकर विभिन्न राज्यों के सरगनाओं के साथ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, और लगातार राजस्थान से लिंक इसके जुड़ रहे हैं, दिल्ली से लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया कराकर दो दिन पहले ही रटवा कर अब परीक्षा केंद्र पर लाने की जिम्मेवारी शिक्षा माफियाओं की थी। और लाया गया, आपको याद होगा इसके पहले कि छपरा, सिवान और गोपालगंज जो सेंटर थे, आरा, बक्सर थे, और लोगों को गोरखपुर, बनारस आदि सेंटरों पर पहुँचाया गया और उनको लाया गया। तो सेटिंग गेटिंग में तो BPSC पहले से ही शामिल रही है। 66वीं पेपर लीक कांड, 108 कटअप चला जाना, हम लोग लगातार चिल्लाते रहे, चीखते रहे, परंतु पेपर रद्द नहीं हुआ। 67वीं पेपर लीक कांड, सबसे बड़ा कांड जो उद्भेदन हो चुका था, मुख्य सरगना कौन थे उसके? कोई रंजीत रजक का नाम बोला, कोई और IAS रंजीत का नाम था उस समय में, कार्रवाई तो नहीं हुई, कोई पिंटू यादव का नाम बता रहा था। तो आर्थिक अपराध इकाई जहाँ पता नहीं किस प्रकार से जांच करती है कि जांच को आधे अधूरे समेट के उसको बुढ़िया बिस्तर में बांध देती है। तो पेपर लीक कांड कौन हुआ, उसका सरगना कौन है? और IAS रंजीत का नाम था उस समय में, कार्रवाई तो नहीं हुई, कोई पिंटू यादव का नाम बता रहा था। तो आर्थिक अपराध इकाई जहाँ पता नहीं किस प्रकार से जांच करती है कि जांच को आधे अधूरे समेट के उसको बुढ़िया बिस्तर में बांध देती है। तो पेपर लीक कांड कौन हुआ, उसका सरगना कौन है? बिना BPSC के अधिकारियों कर्मचारियों के मिली भगत के बिना उन लोगों को प्रश्न पत्र मिल गया क्या? बिना QR कोड लगे, और वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी जिसको ठेका मिलता है छापने का प्रश्न पत्र, उसको जिम्मा मिला, तो फिर कैसे? आप बिना BPSC के पूर्व चेयरमैन की भूमिका तो हो सकती है, तो चेयरमैन जवाब नहीं दे रहे हैं, और पता नहीं अमेरिका में घूम रहे हैं कि लंदन में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, ट्वीट नहीं कर रहे हैं। वो ट्वीट तो पहले खूब करते थे कि हम चांद पर ज़मीनें नहीं खरीदने देंगे, और लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, तूफान से कश्ती नहीं निकाले हैं आप, TRE-1 TRE-2 के अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद कर दिए हैं, जो मिनिमम कटअप को पार कर गए, जो मेरिट वाले थे, आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं, उनका उम्र खत्म हो गया, उम्र लैप्स हो गया, उनके माँ बाप के सपनों का आपने चकनाचूर कर दिया। दूसरी तरफ CTET फेल, ST फेल और कई फर्जी वाले, खासकर डोमिसाइल नीति पर, डोमिसाइल फर्जी वाला बनाकर लोग बहाल हो गए हैं, उनको तो आप बाहर नहीं कर पाए, और तूफान से कश्ती निकाल कर आप लाए थे, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, उसका कोई व्यक्ति जिम्मेवार है, तो जिम्मेवारी आप लेनी होगी, वो है BPSC का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद। सारे संसाधनों के रहते हुए और जिस प्रकार से छात्रों अभ्यर्थियों के साथ गृहवान सेल में एप्लीकेशन लिया गया और उल्टे उनको डराया गया, धमकाया गया, तो आप समझ लीजिए 6 जून को अधिसूचना सौंप जाइए, 6 जून को जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट जो रूल नियम है निर्वाचन आयोग का, वो समाप्त हो जाएगा। हम लोग 6 तारीख के बाद बैठक करेंगे, और RTI से जो खुलासा हुआ है कि आरक्षण के नियम का पालन TRE-1 और TRE-2 में नहीं हुआ, उस पर हम लोग घमासान मचाएंगे, और दूसरी तरफ फर्जीवाड़े पर, डोमिसाइल पर जो राज्य सरकार की नीति थी वो नीति बिल्कुल फेल कर गई है, आपको लोकसभा के परिणाम देखने को मिलेंगे। ये दोनों पार्टी, चाहे JDU हो चाहे RJD हो, उस समय महागठबंधन के दोनों पार्टी ने छात्रों अभ्यर्थियों के साथ जो हकमारी की, उसका परिणाम आप देख लीजिएगा लोकसभा के चुनाव में कि क्या होने वाला है। साथियों, आने वाले समय में छात्रों अभ्यर्थियों की ही कही हक के लिए हम लोग बैठक करेंगे, और जो निर्णय होगा उस बैठक के बाद आप लोग आगे, लेकिन दो प्रमुख निर्णय RTI से जो खुलासा हुआ, आरक्षण के नियम का पालन नहीं, डोमिसाइल नीति और रिवाइज रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो याचिका दायर है उसके भी कोर्ट केस की जो सुनवाई है वो होगी अगले सप्ताह, अगले महीने जून में, इसी महीने जून में होगी, 19 को होगी, 25 को होगी, और सारी सुनवाई पर आपकी तहकीकात बिल्कुल नज़र बना कर रखिए। निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थियों की हकमारी हुई, परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं था, जब जांच चल रही है, जब आर्थिक अपराध इकाई बोल रही है कि हम जांच कर रहे हैं, और जांच किस प्रकार से चलेगी, हो सके 4 जून के बाद बिहार की राजनीति भी बदले, इसलिए छात्रों अभी तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग एकजुट हैं, एकजुट होकर उस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुँचाएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।